मैं मासूम इमामों की कब्र के सामने खड़ा हुआ खामोशी से मातम कर रहा था। जब वहां का मामूर आया और उसने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अभी ये हाथ मैं अपने सीने पे मार रहा हूं, अगर ये हाथ पलट के पड़ने लगा तो क्या होगा। ये मातम की आवाजें कुफर के गुलगुले को दबा देती हैं। वक्त गुजर गया मगर मैं कुछ अर्ज नहीं कर सका। सुने, आम तौर पर कोई कलेवा पढ़ दे तो उसे हम मजबूर हैं मुसलमान कहें, मगर जब कुरान इन्नमा कहता है तो वो उसके बलंद तरीन, नुमाया तरीन, मजबूत तरीन, नफीस तरीन मसादीक को पहचान पाता है। इन नमल मुमिनूना एक ही इसी जगह थोड़ी आया है। सूरह मुबारक है नूर, कौन है जो लफ्ज नूर भूल जाए। ऐसे ही कोई तारीख बातिन होगा जो लफ्ज नूर भूल जाए। सूरह मुबारक नूर में भी इसी मिजाज की एक आयत है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअन। ये आयत जाके देखिएगा, ये आयत जरा तवील है, मैं सिर्फ हवाला देकर आगे बढ़ रहा हूँ। इन्नमा वहां भी मौजूद है कि मोमिन तो बस वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, और जब वो रसूल के साथ किसी ऐसी जगह हो जहां सब इकट्ठे हों, चाहे नमाज में हो या जिहाद में हो, तो उस वक्त तक महजर नबूवत से न जाए जब तक इजाजत न ले। और आने सूरे नूर, अब मुझे बताओ रसूल को नमाज जुमा में तन्हा छोड़कर जाते थे से नहीं कह रहा हूं। कुरान कुरान कुरान, सूरह मुनाफिकून पढ़िए, सूरह जुमा पढ़िए, नमाज जुमा में सूरह जुमा पढ़ते हैं। आखिरी आयत क्या है, ऐ रसूल ये आपको तन्हा छोड़कर नमाज की हालत में चले जाते हैं। नमाज में भी छोड़ते चले गए, जंग में भी छोड़ के चले गए, फिर भी माशाल्लाह मोमिन, चश्मे बदूर आप मोमिन हम काफिर।